My dear student, welcome to all of you in this video, and you are watching topic specialized duties and activities of human resources management. आज आपको हम पढ़ाएंगे स्पेशल ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट. देर आर सो मैनी ड्यूटीज एंड एक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट रिक्रूट करता है, एम्प्लॉय का रिक्रूट करता है. रिक्रूट दैट मीन्स सेलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑल्सो. ऑल्सो रिकॉर्ड द पर्सनल, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उसका पर्सनल रिकॉर्ड भी करता है. एंड ऑल्सो टेक केयर अबाउट द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग एम्प्लॉय. ऑल्सो केयर अबाउट द इंसेंटिव, कंपनसेशंस. माई डियर स्टूडेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हुए जो भी लोग हैं उनका हर तरह से ध्यान रखता है. इतना ही नहीं, अपने कंपनी का भी पूरा ध्यान रखता है. लोगों को अपॉइंट करता है, ट्रेनिंग दिलाता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और भी बहुत सारे वर्क प्रोवाइड करता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्पेशल ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज आर रिक्रूटमेंट, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, हैंडलिंग ग्रीवांसेज एंड कंप्लेंट्स, प्रोवाइडिंग फॉर स्पेशल सिक्योरिटीज एंड वेलफेयर एम्प्लॉय, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स, कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड, डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो हेयर आर द 8 ड्यूटीज दैट परफॉर्म बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन टू यू. नंबर वन, रिक्रूटमेंट. Recruitment, that means to search the employee and keep in the organization. How this one to manage? इसका पहला activity है recruit करना. रिक्रूट में क्या होता है, एम्प्लॉय के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए उसका पता लगाना है. सिर्फ पता ही नहीं लगाना है, उसकी व्यवस्था भी करनी है. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजर इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला काम है रिक्रूटमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, एंड मेक प्रोविजन फॉर द रिक्रूटमेंट. सिर्फ पता नहीं लगाना है कि कितने की जरूरत है, उसकी व्यवस्था भी करनी है. टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन, रिक्रूटमेंट का काम पूरा करने के लिए ही इंडल्ज हिमसेल्फ इन द एक्टिविटीज लाइक रिक्रूटमेंट. इस काम को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कैसे पूरा करता है, रिक्रूट करता है, सेलेक्शन करता है,
प्लेसमेंट करता है, ट्रेनिंग देता है, प्रमोशन की बात करता है और ट्रांसपोर्ट की बात करता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्पेशलाइज ड्यूटी एंड एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, दैट इज व्हाट, दैट इज रिक्रूटमेंट। नाउ द सेकेंड एक्टिविटी इज प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजर रेंडर सर्टेन सर्विसेज दैट रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, ये प्रोवाइड करता है ऐसा सर्विस का जिसमें स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है कैसा सर्विस का, वैसे सर्विस का जिसमें स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। भाई स्पेशल नॉलेज क्या, दैट मींस जॉब इवेल्यूशन, जो जॉब के बारे में इवेल्यूएट कर सके। दूसरा परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस का इवेल्यूशन कर सके। एंड नेगोशिएशन विथ ट्रेड यूनियन, और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो मतभेद है उसको दूर कर सके, ऐसे सर्विस को प्रोवाइड करती है। सो आई हैव से अबाउट द प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज, दैट मीन्स वो ऐसा सर्विस प्रोवाइड करती है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जिसमें स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। किस तरह का, जो जॉब का इवेल्यूशन कर सके, परफॉर्मेंस का इवेल्यूशन कर सके और नेगोशिएशन कर सके, किसके साथ, ट्रेड यूनियन के साथ। नाउ नंबर थर्ड एक्टिविटी, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। जो सैलरी वेज हम वर्कर को देते हैं, इसके अलावा हम रिवार्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव। इसको कैसे डेवलप किया जाए, ये काम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के द्वारा होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर कंडक्ट रिसर्च फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग अपॉन द पॉलिसीज कंसर्निंग पर्सनल। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर समय समय पर रिसर्च करते रहता है कि कैसे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका कंपनसेशन और इंसेंटिव में कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च ही ब्रिंग टू द नोटिस टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। रिसर्च हमेशा टाइम टू टाइम करते रहता है कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉय हैं उसका जो कंपनसेशन है, इंसेंटिव है, उसमें कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके बारे में हमेशा वो रिसर्च करते रहता है। सिर्फ रिसर्च ही नहीं करता है, इस बात को लेकर के कहाँ जाता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास, और उसको बताता है नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नई टेक्निक के बारे में, कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लॉय का कंपनसेशन और इंसेंटिव को इम्प्रूव कर सके। न्यू टेक्निक इन डिफरेंट फील्ड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट सच एज अ न्यू कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, जिससे हम उस ऑर्गेनाइजेशन में एक नया कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान को रख सकते हैं, बना सकते हैं। नंबर फोर, हैंडलिंग ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट का काम ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट
जो वर्कर के हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको हैंडल करना है आपको। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजर टू एस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का काम है, उसकी जिम्मेवारी है कि जो मालिक है एम्प्लॉयर और जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो अच्छा रखने का काम करता है। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इसका काम है मालिक और जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, दैट मीन्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन होगा वो कॉर्डियल होगा, मतलब मधुर संबंध होगा, दोनों के बीच में अच्छा संबंध होगा। टू डू दिस ही इन्फॉर्म बोथ ऑफ द पार्टी अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच अदर। इस काम को पूरा करने के लिए किसको, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉर्डियल रिलेशन बनाने के लिए दोनों को इन्फॉर्म करता है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी, और ये बताने का काम करता है, उन लोग से पूछता है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, एज ए एम्प्लॉयर आप एम्प्लॉय से क्या चाहते हैं और एज ए एम्प्लॉय आप एम्प्लॉयर से क्या चाहते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट दोनों को इन्फॉर्म करती है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी, और एक दूसरे से वो जानना चाहती है कि आप दोनों का एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से क्या है। इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन देम ओकेजनली ही सर्व एज ए, और जब भी कभी दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो शांति बनाने में या शांति कायम रखने में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। नाउ एक्टिविटी नंबर 5, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का काम सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर प्रोवाइड कराना भी उसका काम है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड करती है सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसी टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। एक फार्मूला बनाती है, एक फार्मूला तैयार करती है, एक नियम बनाती है जिससे जो एम्प्लॉय हैं उसको प्रोवाइड कर सके सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर। दिस पॉलिसी कम कवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ, और वो पॉलिसी बनाने के बाद जो भी एम्प्लॉय के एस्पेक्ट होते हैं उसको फुलफिल करता है, पूरा होता है। ये पॉलिसी क्या हो सकते हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो सकता है, सेलेक्शन प्रमोशन पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी एटसेट्रा। व्हाइल फॉर्मुलेटिंग दिस पॉलिसी, जब ये पॉलिसी का निर्माण होता है, ये सब पॉलिसी क्यों बनाया जाता है, ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय को, इसलिए ये सारी पॉलिसी बनाया जाता है। और जब ये पॉलिसी बनाई जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखती है, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी। मोर ओवर ही ऑल्सो इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीटेशन ऑफ द पॉलिसी। एज ए रिजल्ट क्या होता है, अच्छा से अच्छा पॉलिसी बनाई जाती है ह्यूमन रिसोर्स
रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा। नाउ नंबर 6, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉसूट, कंपनी को केस मुकदमा से भी बचाती है। कौन? ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट कंपनी को केस मुकदमा से भी बचाती है। भारत में वर्कर के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं। इंडिया में जो एम्प्लॉय होते हैं उसके लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, दूसरा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इंडिया में एम्प्लॉय के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं और उस एक्ट के अगेंस्ट में काम करने पर उस कंपनी के अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई होती है, तो उस कानूनी कार्रवाई से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट अपने कंपनी को बचाती है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर टू इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ सच एक्ट इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये काम ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट करती है। नंबर 7, कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड। जब भी किसी एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट होता है, सेलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, प्लेसमेंट होता है, ये सारा रिकॉर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रखती है, ताकि आने वाले फ्यूचर में अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल आराम से हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजर मेंटेन रिकॉर्ड रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, रेमुनेशन etc. ऑफ ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। दीज रिकॉर्ड्स आर यूज इन द रेफरेंस इन द फ्यूचर। जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं उसका सारा रिकॉर्ड कीपिंग का काम ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट का है। सारे एम्प्लॉय जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका सारा रिकॉर्ड, चाहे रिक्रूटमेंट की बात हो, सेलेक्शन की बात हो, प्रमोशन की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, प्लेसमेंट की बात हो, सारा चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है और फ्यूचर में अगर इसका ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल हो सके। एंड द लास्ट इज नंबर 8, डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का ही केयर नहीं करना है, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करना है, जिससे आगे आने वाले दिनों में उससे भी और इफेक्टिव हो। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी द स्पेशल ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इफ यू फील गुड, वेरी गुड, बेटर, बेस्ट, देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।